राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? सही हो कि आप लोग बहुत ही बढ़िया से होंगे। तो भैया, हम फिर से आ गए हैं गांव और आप लोग देख रहे हैं इस वक्त हम हैं अपने छत पे। तो इस वक्त सुबह के 10 बजे हैं, नहीं 10 पूरा नहीं बजे हैं, कम्मा बजे हैं। तो फटाफट से वहाँ पे घर पे काम वाम किए हैं, खाना वाना बनाए हैं, बच्चे मेरे सब चले गए स्कूल, उनका पेपर शुरू हो गया है तो सब पेपर देने चले गए थे। और हम अचानक से आए हैं गाँव, काहे से कि जो हमारा सरसों है खेत में ना, वो ख़राब हो रहा था तो उसके दाने निकलवाने हैं। बता दें, जब हम सरसों काट के गए थे उसके बाद हम ब्लॉग नहीं शूट किए थे तो बीच में 2 दिन जम के बारिश हुई है, तो सरसों जो है भींग के खेत में ही ख़राब हो रहा है। तो इधर 2 दिन से मौसम साफ हुआ है तो सरसों सूख गया है, तो सोच रहे हैं उसके दाने निकलवा लें, नहीं तो 2 दिन बाद फिर मौसम ख़राब होने वाला है। एक ही 2 दिन बाद मौसम ख़राब होने वाला है, तो इस अब की बार जो है ना मौसम ख़राब होगा तो एकहू सरसों जो है घर पर नहीं आएगा, सब वही खेत में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम आए हैं जल्दी जल्दी से, अम्मा जी के लिए खाना लेते आए हैं, अम्मा जी खाना खा रही हैं, तो अभी हम आ गए हैं छत पे। तो अभी खेत में चलेंगे बाद में, काहे से कि सोच रहे ना धूप लग जाए सरसों में तो उसको चलेंगे तो फिर इकट्ठा करेंगे, तो शाम तक जो है ट्रैक्टर से वो मराएगा तो उसकी जो है उसका काम अभी शाम को होगा। तो अभी बहुत सारे काम यहाँ के निपटाने हैं तो हम छत पे आ गए हैं। मूंग अभी हमको डालना है, को याद होगा पिछले बार हम आए थे तो हम दाल दर रहे थे, हालांकि मैंने वो केवल म्यूज़िक के साथ वीडियो लगाए थे, मैंने उसमें बताया नहीं था कि मैं करके आ रही हूँ। हालांकि आप लोग इतने साल से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग देख के समझ जाते हैं कि मैं कौन सा काम कर रही हूँ। तो वो मैं मूँग के दाल निकाल रही थी, तो मूँग जो है ना वो अच्छे से सूखा नहीं था तो इसलिए वो दाल अच्छे से निकला नहीं, तो उसको मैं ऐसे ही रख के चले गए थे। तो अभी बड़ी अच्छा धूप हुआ है, लेकर आ गए छत पर, तो चलते हैं उसको छत पर डाल देते हैं ताकि बढ़िया से वो सूख जाए। तो उसके दाल भी निकालने हैं, तो उसके दाल भी निकालेंगे तो पक्का है दिन भर का ब्लॉग जो है हमारा गांव पर ही शूट होने वाला है। तो चलिए अभी देर नहीं करते हैं, तो ये जल्दी जल्दी डाल देते हैं, उसके बाद फिर खेत में तो चलेंगे बाद में। तो अभी मुझे गांव में भी कहीं जाना है, काम है और बहुत सारा काम है मेरा, तो शुरू कर देते हैं फटाफट से, नहीं तो फिर पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा, काम मेरा नहीं हो पाएगा। तो भैया, भाई हम चल रहे हैं तनी गांव में, हम एक जगह गुड़ के लिए आर्डर दिए थे तो चले देखें। कामित ठीक ठाक है? कहाँ जाता है? तो मम्मी हो? कहाँ गई लही? पढ़ाओ गए तो तार मम्मी पढ़ा गए तो का लही हैं सबका छुट्टी उनका आज हुई का लही हैं तो तार मम्मी कौन स्कूल में पढ़ा वाली हो? एक दिना बाद उनके छुट्टी मिला तुहरे मम्मी के सबका। अरे यार एहन कर गजब स्कूल बा, स्कूल में मैडम जी गईली तो एक दिन बाद आई हन का पढ़ावली लगल घर वो जाके पढ़ावा लगल का लड़कवन के स्कूली के बाद लगा था घर वो चल जाली ना सबके मारा ली सबके मारा ली एक मम्मी मैडम जी हैं भैया बड़ी मारा ली अमित कर। हाँ तो हम कह रहे थे भैया कि हम एक जगह गुड़ के लिए आर्डर दिए हैं तो चले तनी गुड़ लेना है हमको, गुड़ लेके हम आते हैं। हाँ गुड़ लेवा के हो कहाँ मिली बतावा चलत है। तो भैया हम चल रहे हैं गांव में, यही है देखिए ये हमारा पुराना वाला घर, ये है मेरा पुराना घर, इधर भी है ये वाला, ये मेरी सासू माँ की रसोई रही है पहले, ये मेरी सासू माँ की रसोई घर है, इसमें घास भूसे रखे हुए हैं मेरे परिवार के लोग कुछ। तो हमको चलना है अंदर गांव में अंदर। का हो ये कहाँ से ले आवा था? गेहूँ में कहा ना? हाँ तो भैया आ गए हम देखिए गुड़ लेने, अब वही गुड़ यहाँ पे बन रहा है देखिए, ये देखिए। तो गुड़ लेने हम आ गए हैं लेकिन अभी गुड़ यहाँ बन रहा है तो सोच रहे हैं गुड़ बनने के पहले हम पहले रस पी ले बाद में फिर गुड़ लेके चलेंगे। का हो रस बा ना हो?
दा फिर पी तनी। तो भैया देखिए हमको मिल गया है रस गर्मा गर्म, कच्चा वाला माने ठंडा वाला तो नहीं मिला है, गर्मा गर्म रस मिला है, अब हम पियेंगे। ये हमको बहुत पसंद है। और इधर देखिए दुल्हन बेचारी मूंगफली के छिलके उतार रही हैं, काहे से लग रहा है कि बनेगा कुछ। पट्टी बनी ना? हाँ ढूंढा बना के। हाँ अच्छा बना खला, तब तक हम रस पी ले। मजा आ गया यार, बहुत मीठा है, हमको मीठा बहुत पसंद है। तो दोस्तों जहाँ हम गुड़ लेने आए थे वहीं जो है थोड़े से दूर पे हमारा एक और खेत है, तो हम चले आए थे अपना है गेहूं का खेत देखने कि देखे गेहूं कैसा है। तो लगभग ठीक ठाक है ये खेत हमारा, वहाँ तक जो वहाँ लास्ट में वो पेड़ दिख रहा है वहाँ तक है पूरा। तो यही देखने हम चले आए थे, यहाँ हम लोग कभी आते नहीं हैं, जल्दी नहीं आते हैं, ये दिए हैं दूसरे को अधिया पे करने के लिए। तो आए थे तो हम कह चले भैया तैसा देखते चलते हैं अपने खेत का भी हाल चाल कैसा है। तो ठीक है लेकिन संतोषजनक नहीं है जैसा होना चाहिए था। अगल बगल की गेहूँ बहुत बढ़िया है लेकिन इसका ग्रोथ थोड़ा कम है। चलते हैं पूछते हैं क्या कारण है भैया कि ऐसा है गेहूँ, पूछना पड़ेगा कौन सी कमी इसमें रह गई। तो अभी जिनसे गुड़ लेना था वो है नहीं, तो चलते हैं देखें, अगर आ गई होंगी तो लेते चलते हैं। चल रहे हैं, काफ़ी दूर निकल आए हैं। यह है बढ़िया सा, देखिए क्या रहर का पेड़ है, कितना सुंदर फूल खिला है रहर में। तो भैया हम गुड़ लेके आ गए, हमको गुड़ मिल गया जितना चाहिए था उतना, खूब ढेर सारा है। मेरे बच्चों को गुड़ बहुत पसंद है। अरे बाप रे, तो लीजिए भैया हम 20 किलो गुड़ लिए हैं। तो ये हो गया गुड़, थोड़ा इसमें है और बढ़िया में है। तो भैया घर का तो कुछ काम हम सब निपटा लिए हैं, तो ले लिया देखे निपन्नी, चल रहा है खेत में। अभी वक्त 2 बजने वाला है, क्या हो चल रहा है खेत में। अथवा अब सरसों सब इकट्ठा करेंगे, अब इसको जो है जल्दी से दाना निकलवा लें, नहीं तो फिर हम लोग घर भी जाना होगा तो समय लगेगा। तो भैया है इधर देखिए धनिया है और ये है हमारे सरसों का खेत, चल रहा है एक जगह सबको इकट्ठा करना है। चलें अगर आज नहीं सरसों निकला ना तो फिर सरसों निकलवा नहीं पाएंगे हम, बहुत तगड़ा अभी धूप लग रहा है और लग रहा है कि फिर से बदरी आएगी। तो हम पन्नी उन्नी सब लेके चल रहे हैं इधर ही, यही बीच में एक जगह सब इकट्ठा करते हैं, एक जगह बटोरते हैं। तो भैया थोड़ा सा व्यवस्था लगा दिए हैं, थोड़ा सा गुलिया दिए हैं, बड़ा तेज धूप लग रहा है भाई, 2 बज रहा है अभी, अनु पापा की छुट्टी होगी 3 बजे, 3 बजे आएंगे तब ट्रैक्टर आएगा, तब ही मराएगा, तब तक हम चल रहे हैं घर। और
चले मूंग जो छत पे डाले थे उसको ले आते हैं और दाल बनाते हैं। तब तक देखें तब से दाल बना लें क्योंकि दाल नहीं है। बहुत ही धूप लग गया, पिछले बार भी ऐसे ही धूप में हम काम किए थे और रात भर हमारा पेट दर्द किया था, पानी नहीं पिए थे ना, लेकिन आज पानी भर के रख लिए हैं। चलो पहले पानी पिए। मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ होने को है, देखे लाइट आ जाए तो लगा दे चार्जिंग में। तो भैया खेत में ट्रैक्टर आ गया है और हम पूरा दाल नहीं दर पाए, तो अब हम चलते हैं खेत में। अनु के पापा आ गए हैं, अब 3:30 बज रहा है, तो देखिए इतना ही बस दरे हैं, इतना थोड़ा सा रह गया है मुंह, तभी अब बाद में दरेंगे। अब हम चल रहे हैं भाई उठाने सब बोरिया वगैरह लेके चलते हैं खेत में। अब चल रहे हैं, खेत का काम निपटा के आते हैं। चलिए भैया तो भैया खेत में आ गए हैं, ट्रैक्टर का इंतज़ार है, अब ट्रैक्टर आ जाए तो जल्दी से ही काम हमारा निपटे। 3:30 बज गया है। हाँ लो भैया, तो फिर ट्रैक्टर भी आ गया। कहाँ बिछावा के हो? तो भैया संझा हो गया, सरसों सफर गया, सरसों मराई हो गया, ठीक है जो हुआ है बढ़िया हुआ है सरसों, उससे ज़्यादा तो लग रहा है खेतवा में झर गया है सब। बारिश हुई थी बीच में ना, ख़राब हो गया था बहुत सा खेतों में झरा है, तो सब हटा बढ़ा लिए हैं। चले तनी देखे कोनो साग तरकारी हो तो खेत में से ले लें, फिर उसके बाद निकलेंगे। और भाई मूँग घर पर वैसे ही छोड़े हैं, अभी उसको भी उठा के रखना है। तो इतना भूसा निकला, सब कुछ जा चुका है, यही है, इतना लास्ट में लेके चलते हैं हम।
अरे कल चिल्ला था कि कल बारिश देखा, मौसम तो खराब होता हो सकला कल बारिश हो। तो चलते चलते पहले चल लेते हैं थोड़ा चना खेत देख लेते हैं। हमारा चना खेत इस बार एकदम से सत्यानाश हो गया है। इस बार चना एकदम बेकार हो गया। हुआ का, पहले तो नीलगाय परेशान की थी, अब इसमें कुत्ते जो है पता नहीं क्या करके पूरा जो है खेत एकदम तहस नहस कर दिए हैं कूद कूद कर। देख रहे हैं ये चना का खेत एकदम लग रहा है कि एकदम कोई तहस नहस किया हुआ है। यही किनारे में थोड़ा बहुत है, फलियाँ लगी हैं, ये देखिए फलियाँ लगी हैं, फलियाँ लग रही हैं। तो भैया सब्जी ले लेते हैं, हम ले लिए हैं धनिया लहसुन, यहीं से लेंगे पत्ता गोभी। हम कहे ना मोमोज बनाने के लिए बच्चे मांगे हैं पत्ता गोभी, तो यहाँ से लेते हैं ही पत्ता गोभी। या बहुत बड़े बड़े पत्ता गोभी हो गए हैं। ये जो पत्तियाँ ख़राब वाले हैं वो मैं निकाल दूँ। एक हाथ से तो मेरे हाथ में कैमरा ही है, वीडियो हम शूट कर रहे हैं, एक हाथ से देखिए पत्ता गोभी काट रहे हैं। तो एक हाथ से तो हम जो है कैमरा पकड़े हैं भैया, एक हाथ से पत्ता गोभी काट रहे हैं, तो कैसे कटेगा। तो ये हो गया पत्ता गोभी, ये हो गया पालक। तो भैया लीजिए हम सब्जी सब ले लिए हैं, अब अंधेरा होने वाला है, अब चलते हैं फटाफट से घर। तो सब्जी हम सब ले लिए हैं, अंधेरा होने वाला है, चलते हैं हम जल्दी से घर। सारा काम निपट गया है, फटाफट निकले जल्दी से। तो दोस्तों अभी को हम पहुँचे हैं घर, काफ़ी जो है रात हो गया, 8 बजे हम पहुँचे हैं घर। नहा वहा लिए हैं, एकदम से फ्रेश हो गए। आज जो है दिन भर खेतों में ही एकदम समय बीत गया। हमारे बच्चे किचन में क्या कर रहे हैं रुकिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए इनकी पार्टी हो रही है। तो भैया दिन भर खेत में मेहनत करके हम आए हैं और पूरी सब्जी बना रही है हमारी लकी, तो खाना हमारी लकी बना रही है, तो इसका हमको बेनिफिट मिल जाता है कि अब हम दिन भर खेत में काम कर लेते हैं तो हमको खाना मतलब मिल जाता है ना लकी। आज तुम लोग का पेपर, आज तुम लोग का पेपर कैसे गया? देखो शिवम जो है फ्राई कर रहा है पूरी, नहीं बना रहे सब जला दे रहा है। क्या है शिवम, तल तलो यार, तले को अंग्रेजी में, अच्छा तलने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्राई कहते हैं। अच्छा तुम लोग का पेपर कैसा बनाया आज? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भैया आज इनका पेपर था, हम इन लोग को घर पे छोड़ के गए थे। लकी शिवम तुम्हारा पहला पेपर था बताओ? हाँ सही है, सही है ना, इसीलिए पूरी बना रहे हो तुम सब। तो भैया ये लोग अपने मर्जी से पूरी बना रहे हैं। मम्मी पता है पढ़ा था, ये मेरे पीछे बैठा था। हाँ जी लगे के पीछे से तुम मम्मी देखे लगे के पीछे बैठा था, दीदी के पीछे बैठा रहा हूँ क्लास में गया। तो आ गए हैं बच्चे हमारे, पूरी बना रहे हैं, इनका आज पेपर था, अब जो भी किए होंगे वो रिजल्ट बताएगा इनका। तो ये हमको बेनिफिट हो जाता है भैया कि हम थक के आते हैं तुम्हारी बिटिया कुछ बना देती है, नहीं पहले तो यो नहीं होता था, चाहे कितना थको अपना खुद बनाओ खुद खाओ क्या करें। जब से थक गए हैं नहा वहा के तो थोड़ा फ्रेश हुए, थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलते हैं अब ब्लॉग भी बंद करेंगे। लकी बना रही है पूरी और सब्जी, हम नहीं बोले थे पूरी सब्जी बनाने के लिए, अपना खुद से बना रही है। तो चलिए ब्लॉग बंद करते हैं, फिर खाएंगे, मिलेंगे आपसे कल। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।